रोज़ा अकदस के अंदर एक कबूतर चला गया और वहाँ उसकी जान जो है वो निकल गई। अब उस कबूतर को निकालना था। अब वहाँ के मदीना शरीफ के मुफ्तियान और उलमा से मसला पूछा गया कि इस कबूतर को कैसे निकाला जाए, अंदर कैसे आदमी को भेजा जाए। तो उलमाए किराम ने ये मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो, कि उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना हो, वो रोज़ा अकदस के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। अब जारी बात है कि जो जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना है, हुजूर की कब्र अनवर शरीफ के करीब जाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से सुथरा हो। तो वहाँ के इंतज़ामिया ने फिर कहा कि कोई 4-5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक फैमिली का हो, कि उस घर में ये मुख्तलिफ किस्म के जो माशरे में राइज गुनाह हैं वो पूरी फैमिली उन गुनाहों के करीब ना हो, और 4 साल या 5 साल का जो बच्चा है उसे गुनाहों के बारे में इलम ना हो। तो वहाँ मदीना मुनवरा का ही एक ख़ानदान को जो है वो चुना गया। फिर उनके एक छोटे बेटे को जिसकी उम्र 5 साल थी वो रोज़ा अक़दस के अंदर दाखिल किए गए। जब वो बच्चा कबूतर ले कर बाहर निकला, उसने आके चीख कर 3 मरतबा कहा, वल्लाही रसूलल्लाही हय्युन, लोगों अल्लाह की कसम है रोज़ा अक़दस के अंदर मैं हुजूर को जिंदा देख के आ रहा हूं।